गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम टीच यू मैथ्स स्टैंडर्ड 5. ओके, विच चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट? चैप्टर नंबर 8 विद द सेमेस्टर 2. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मैपिंग योर वे. ओके, व्हाट इज द मैपिंग? आपको पता है मैप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैप? आपको कहीं पे जाना है, अगर उसका रास्ता पता नहीं है, ओके, तो आपके पास अगर मैप है तो आप वहाँ पे जा सकते हो. तो आप वहाँ पे जा सकते हो. तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 113 पे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, दूसरा उसका मैप दिया हुआ है जिससे कौन सी जगह कहाँ पर है हम उसे जान सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक. आशी इज गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड. ओके, तो आशी जो है वो एक लड़की है, वो कहाँ पे जा रही है? इंडिया गेट पे जा रही है. तो सी मतलब देखना, तो रिपब्लिक डे है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे मतलब प्रजासत्ताक दिन. ओके, तो उस दिन पे जो इंडिया गेट है वहाँ पे परेड होती है. परेड मतलब क्या? तो जो एनसीसी के स्टूडेंट्स है या फिर कोई आर्मी के लोग है तो वो क्या करते हैं? परेड करते हैं. आपने देखा ही होगा ना, हमारे जो स्वतंत्रता दिन पे होता है या इंडिपेंडेंस डे पे या फिर रिपब्लिक डे पे टीवी पे बताया जाता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो वहाँ पे फ्लैग लहराते हैं, और वहाँ पे जो ये एनसीसी के बच्चे या फिर जो नेवी के या आर्मी के लोग हैं वो परेड करते हैं, वहाँ पे एक साथ चलते हैं, तो उसे परेड बोलते हैं. टू अदर चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल, उसके स्कूल के दूसरे बच्चे भी जाने वाले थे. एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर. जैसे ही बच्चे वहाँ पे गए और बैठे तो उन्होंने स्पीकर में, लाउड स्पीकर में इंडिया गेट के बारे में सुना. ओके, हियर मतलब सुनना. टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज इंडिया गेट. प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया गेट पे आ चुके थे. दिस वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स वो डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये जो है वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी इंडियन सोल्जर्स थे जो मर गए थे ना, उनकी याद में, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था, बिल्ट किया गया था. There are lots of people sitting on the both side of Rajpath, the main road along which the parade passes. Okay, यानी कि ये जो इंडिया गेट है उसका जो मेन रास्ता था उसके दोनों साइड जो है वो बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ पर बैठे हुए थे. और चिल्ड्रन जो है वो किसके बारे में बात कर रहे थे? तो बिल्डिंग जो उसके आसपास देख रहे, सी अराउंड यानी कि उसके आसपास वो देख रहे थे ना, उसके बारे में बात कर रहे थे. देखो यहाँ पे, सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट. राष्ट्रपति भवन जो है वो इंडिया गेट को फेस करता है, यानी कि सामने है. सो दैट द लास्ट बिल्डिंग ऑन अवर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन. तो बच्चे ये बात कर रहे हैं कि सामने जो राइट साइड पे दिख रहा है वो राष्ट्रपति भवन ही होना चाहिए. मस्ट मतलब वो ही है. लुक अदिति, दिस इज इंडिया गेट. तो ये बच्चा जो है वो बता रहा है कि देखो ये कौन सा है, इंडिया गेट है. ओके, सो हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर. यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिया है जो किसके द्वारा लिया गया है? हेलीकॉप्टर के द्वारा लिया गया है. यू कैन सी द राजपथ द रोड विच इज जॉइंट्स इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन. आप देख सकते हैं कि ये जो राष्ट्रपति भवन यहाँ पे दिया हुआ है और ये इंडिया गेट है, तो ये वाला जो रोड है उसे राजपथ बोलते हैं. पथ मतलब रास्ता, तो उसका नाम है राजपथ. ओके, तो ये जो राजपथ रोड है वो आपको दिख रहा है. द रोड विच इज जॉइंट टू इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन. ओके, राजपथ रोड जो है वो राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन है और इंडिया गेट है जो दोनों को जोड़ता है. सो इट इज कॉल्ड राजपथ. मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी. तो राजपथ भवन जो है वहाँ पे मार्क करने को बोला है. देखो यहाँ पे आपको मैप दिया है उसका, ये जो है वो पिक्चर है और यहाँ पे मैप दिया है. देखो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन दिया है, तो ये जो राष्ट्रपति भवन है वो यहाँ पे है पिक्चर्स में. उसके बाद ये आपको वे दिया है, तो देखो यहाँ पे राजपथ और राजपथ लिखा हुआ है, तो ये जो है वो राजपथ यानी कि वे है जाने का.
उसके बाद यहाँ पे इंडिया गेट है, तो यहाँ पे जो बीच में ये वाला है तो वो क्या है, इंडिया गेट है। ओके, उसके बाद नेशनल स्टेडियम है जो यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ये नेशनल स्टेडियम है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियरली मैप में दिख रही है। नीचे दिया है मैच द मैप एंड फोटो, कि आपको फोटो और मैप दोनों दिया गया है तो हमें उसे मैच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी, कि अगर आप सूरत में रह रहे हो, कोई भी सिटी में रह रहे हो, तो आपने अपनी सिटी का कभी मैप दिया है देखा है। लुक एट द मैप, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मैप दिया है तो आप दोनों को मैच करना है और देखना है कि इंडिया गेट कहाँ पे था, कहाँ पे है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, ये वाला इंडिया गेट है जो यहाँ पे बीच में है। ओके, राष्ट्रपति भवन है। ओके, ये राजपथ भवन, राजपथ है जो रास्ता है जो कहाँ तक जाता है, इंडिया गेट तक जाता है। और ये जो है वो क्या है, इंडिया गेट है। ड्रॉ इट ऑन द मैप, तो हमें मैप पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति भवन से हमने राजपथ ड्रॉ किया और उसके बाद ये इंडिया गेट को हमने हाईलाइट किया। सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट ऑफ द मैप, लुक एट फोर नेम इन द फोटो। ओके, यहाँ पे रोड बताए हुए हैं। ओके, तो फर्स्ट दिया है विजय चौक है, रफ़ी मार्ग है, जनपथ है, मनसिंह रोड है, फिर कस्तूरबा गांधी मार्ग है, तिलक मार्ग है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड है। तो ये जो है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो फर्स्ट हम मानसिंह रोड से लेंगे, तो मानसिंह रोड जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली। ओके, उसके बाद आके जो है वो जनपथ है, तो जनपथ जो है वो यहाँ से है, ये जो है रोड, ये जनपथ है। ओके, उसके बाद है रफ़ी मार्ग और विजय चौक, तो उसके बाद यहाँ उसके आगे आएगा रफ़ी मार्ग और विजय चौक, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर जो है वो क्लियरली नहीं दिख रहा है हमें। थर्ड क्वेश्चन, नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ओके, राष्ट्रपति भवन से लेकर हम इंडिया गेट तक जाएंगे तो हम कौन कौन से रोड से होके गुजरेंगे, तो रफ़ी मार्ग से होके गुजरना पड़ेगा, राजपथ से गुजरना पड़ेगा, जनपथ से गुजरना पड़ेगा और मानसिंह रोड से गुजरना पड़ेगा। तो ये चार रोड के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप वन, कैन यू सी इन द फोटो। ओके, देखो यहाँ पे नेशनल स्टेडियम लिखा हुआ है। ओके, तो आपको नेशनल स्टेडियम ये फोटो में ढूंढना है। तो नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है, ये हमने क्या मार्क किया था, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट से आगे है ना नेशनल स्टेडियम, तो यहाँ पे इंडिया गेट दिया है तो उसके आगे, मतलब ये वाला क्या बन गया, नेशनल स्टेडियम। ओके, तो हमें मिल गया ऑलरेडी, तो ये जो है वो क्या है, नेशनल स्टेडियम। ओके, तो आई होप कि आपको पता चला होगा फोटो और मैप में क्या डिफरेंस है, कि मैप में जो है हम फोटो की तरह सारी चीज़ें जो है वो बता नहीं सकते, सिर्फ मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे सब रास्ते और वो सब जो है, राष्ट्रपति भवन है या इंडिया गेट है, वो सब पूरा मार्क किया हुआ है ओनली, और ये फोटो में आप देख ही सकते हो। हमने दोनों को कंपेयर किया और नीचे के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आई होप आप सबको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप दूसरी बार भी देख सकते हैं वीडियो, आगे से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।